नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का फी रिफंड का प्रोसेस लिंक एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन अब जो है आंसर की का भी लिंक एक्टिवेट होने वाला है आज से 16 अगस्त से। तो कब कितने बजे से हम अपना आंसर की देख सकते हैं, ये सब कुछ पूरा नोटिस आपको पढ़ के दिखाएंगे और समझाएंगे कि कब आप देख सकते हैं और कब तक देख सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है और कब ऑब्जेक्शन आप कब तक लगा सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने हम खोले हुए हैं जो अभी रेलवे बोर्ड जो है पटना बोर्ड को हम खोले हुए हैं, आरआरबी पटना को खोले हुए हैं, ये वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को हम खोले हुए हैं। और इस पर अभी आपको दिखाते हैं कि जो नोटिस आया था आपका 13 तारीख को, उसी चीज़ को हम पढ़ के समझाएंगे सब कुछ कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, आरआरबी जो पटना लिखना है गूगल पर, उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड यहाँ पे देख रहे होंगे तीसरा नंबर में। तो नोटिस बोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नोटिस बोर्ड को क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस बोर्ड जो है खुल जाएगा। उसके बाद नोटिस बोर्ड पे जैसे ही हम आए तो नोटिस बोर्ड पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 अगस्त 2021 आप देख सकते हैं नोटिस ऑन व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन एनी क्वेश्चन ऑप्शन की, मतलब कि ये लिंक यहाँ पे दिया गया है और इसी चीज़ को लेके नोटिस दिया गया कि कब आप आरआरबी एनटीपीसी का जो है आंसर की दे सकते हैं और कब उस पर ऑब्जेक्शन कब तक लगा सकते हैं। नंबर दो में आप देख सकते हैं कि ये रिफंड को लेके लिंक एक्टिवेट, जैसा कि आप लोगों को पता है 11 अगस्त हुआ था और जिनका भी OTP आ रहा है ये सब कुछ का हम वीडियो दे दिए थे, तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से अपना जो भी है रिफंड का प्रोसेस समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा, अकाउंट डिटेल्स डाल दीजिएगा। लेकिन अभी हम इस बारे में बताएंगे क्योंकि ये जो लिंक एक्टिवेट हुआ है वो आपका आज से होने वाला है, 16 अगस्त से होने वाला है। तो इस पर सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, इस पर जाना है और यहाँ पर जाके इसको हम पहले डाउनलोड करते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए आएगा, डाउनलोड करेंगे पहले इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। अब देखिए ये डाउनलोड हो चुका है और ये डाउनलोड हो गया और ये देखिए खुल गया। अब इसमें हम आपको समझाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CVT एग्जाम को लेकर दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ़ एनी क्वेश्चन ऑप्शन की, यानी यहाँ पे ये बोला गया कि आप क्वेश्चन जो मतलब आंसर की है वो भी देख सकते हैं और आपको अगर ऑब्जेक्शन लगता है कि नहीं ये गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस चीज़ को सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी पोस्ट अगेंस्ट CEN 01/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 28/12/2020, जैसा कि आप लोग को पता है कि 28/12 यानी 28 दिसंबर 2020 से 31/7/2021 तक जो है कंप्लीट हो गया NTPC का जो फर्स्ट स्टेज का है एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। इन ऑर्डर टू अनेबल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द CVT 1 व्यूइंग द देयर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट RRB विच विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 16/8/2021 यानी 16 अगस्त 2021 को 20 आवर यानी कि आपका 8 बजे के आसपास एक्टिवेट होगा लिंक। और आपका जो है लिखा हुआ है 23/8/2021 को जो है लास्ट डेट है, यानी इतना बजे तक 23:59 यानी कि आपका लगभग 11:59 तक आप देख सकते हैं, यानी 12 बजे तक आपका 23/8/2021 यानी 23 अगस्त तक आप देख सकते हैं ये जो आंसर की है। ऑब्जेक्शन भी आप उसी बीच लगा सकते हैं, अगर आप चाहिएगा 24 तारीख को हम देखें तो ये नहीं हो पाएगा, इतना दिन तक ही एक्टिवेट होगा ये लिंक। आप देखिए यहाँ पे टाइम पूरा दिया हुआ है कि कब क्या क्या होगा। नंबर एक में आपको पढ़ के दिखाते हैं एक्टिविटी में, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की, यानी कि इसमें है 16/8/2021 8 बजे से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आज रात 8 बजे से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपना क्वेश्चन आंसर मतलब देख सकते हैं, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना आंसर की देख सकते हैं कि आप कितना सही किए कितना गलत हुआ ये सब कुछ। उसके बाद नंबर दो में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर दो में आप देखिए राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन
अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि ये जो बात इसमें लिखा गया कि 18/8/2021 से 8 बजे तक, मतलब कि आपका जो है ये ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं 18/8/2021 से ऑब्जेक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, आरआरबी ने सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर तीसरा नंबर में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो, यानी इसमें लिखा हुआ है 23/8/2021 आपका 12 बजे तक आपका जो है ये दिखेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, यानी 24 तारीख से आप नहीं दे सकते। अब इसमें क्या है, फ़ी आपको पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे फ़ी पेमेंट क्या करना होगा, जैसे आप ऑब्जेक्शन कोई भी चीज़ को लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर देख लिए, व्यू कर लिए आप, उसके बाद जब देखे तो उसमें आपको लगा कि नहीं गलत है क्वेश्चन, इस पे हमको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो आपको 50 रुपये देना होगा चार्ज, 50 रुपये दीजिएगा और ऑब्जेक्शन जो लगाइएगा तो वो ऑब्जेक्शन अगर सही होगा आपका, जैसे कि आप ऑब्जेक्शन लगाएं आपका सही एकदम ऑब्जेक्शन होगा, तो आपका 50 रुपये जो है रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन 50 रुपये प्लस अप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन 50 रुपये, इन द केस ऑब्जेक्शन राइज टू इज फाइंड टू बी करेक्ट टू फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट, द रिफंड विल बी मेड फॉर अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज बीन, जिस प्रकार से आप पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो आप उसी अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा 50 रुपये, अगर आपका क्वेश्चन जो जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लगाइएगा और वो सही रहेगा तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप कोई भी, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप अपना कर सकते हैं, SBI सब कुछ किसी से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं और आपका ऑब्जेक्शन गलत रहा तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। और हाँ एक बात और बोला जा रहा है कि तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में आपका देखिए बोला जा रहा है कि अगर आप अपना आंसर की देख लेते हैं तो सही है 23 तक, अगर नहीं देख पाते तो उसके बाद RRB जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप उसके बाद आप नहीं देख पाइएगा आंसर की। तो ये आप भाई लोग जितने भी हैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना आज रात में एक्टिवेट होगा तो आज नहीं तो कल भी आप अपना आंसर की देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 23 के बाद 24 तारीख से आप नहीं देख सकते। तो ये सब कुछ आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ, ये ऑफिशियल नोटिस है 13/8/2021 को रिलीज हुआ था, तो इसी को लेकर आपको अपडेट देना था। तो आज रात 8 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा आंसर की का लिंक, तो आप जरूर देखिएगा। और हाँ रिस्पॉन्स मतलब ऑब्जेक्शन लगाने का जो है वो 18 से स्टार्ट होगा और आप 23 तक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आपको 50 रुपये देना होगा, अगर आपका सही है तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, अगर गलत है तो 50 रुपये तो आपको लगेगा ही, वो रिफंड नहीं होगा। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएं वो सही सब कुछ सही निकला तो आपका जिस मोड से आप जो पेमेंट कीजिएगा उसी मोड से आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो निश्चित ही अगर आपको लगता है कि नहीं 100% सही है आपका आंसर और गलत RRB ने कर दिया तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए, 50 रुपये लग जाए, लेकिन फ्यूचर का बात है तो मतलब इसमें अगर हो सकता है कि 2 नंबर के कारण आपका कोई तरह की दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आप उस पर जरूर ऑब्जेक्शन लगाइए अगर आपको लगता है तो, 100% अगर आप सियोर हैं तो। इजिली आप निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो और अगर नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है RRB का या ग्रुप डी एग्ज़ाम का तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, अप्रेंटिस ITI पॉलिटेक्निक जितने भी हैं रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी खबर है आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।